नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षाओं में, इसलिए आपको क्या करना है, इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला सही विकल्प देख लीजिएगा, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो कौन सा काल है आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका बा वाला भक्ति काल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, दोनों का संबंध कैसा है आपको बताना है, इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका सा वाला विभाव से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो कैसी विधा है आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला कहानी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास जी के गुरु कौन थे आपको बताना है, चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपका हो जाएगा पर दा वाला वल्लभाचार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर ब वाला समास हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, माँ ने भोलानाथ के गांव पर लगाया, तो क्या लगाया था आप सभी को पता होगा, सा वाला पीसी हुई हल्दी लगाई थी। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला कथन दिया है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खाली स्थान का वध नहीं किया जाता था, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा गाय आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, अभिनय तत्व की प्रधानता खाली स्थान काव्य में होती है, तो कैसे काव्य में होती है, तो इसमें आपको लगाना होगा दृश्य काव्य। और तीसरा देख लीजिए, प्रेमचंद खालतान है, तो प्रेमचंद कैसे है ये आपको बताना है, कथाकार हो जाएगा। और चौथा देख लीजिएगा, बाल गोविंद की मौत उन्हीं के खालतान हुई, तो इसमें आपको लगाना होगा अनुरूप हो जाएगा। और पांचवा देख लीजिए, पांचवे में क्या पूछा, चौराहों में खालतान समास है, जो चौराहों में कौन सा समास है आपको बताना है, तो चौराह में हो जाएगा आपका दिग्गो समास हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा देख लीजिए, गंगटोक से खालतान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 149 लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना है, इसमें सही जोड़ी का मिलान करना है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है आत्मगति में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, जय शंकर प्रसाद, ठीक है। और तीन वर्णों का मेल क्या कहलाता है, तो तीन वर्णों का मेल हमारा कहलाता है यहाँ पर गण कहलाता है। और एक मास सारा के लिए मुहावरा है, तो इसमें आपका आ जाएगा अंधे की लाठी हो जाएगा। अलंकार में आपको लगाना होगा, अलंकार में आपको क्या लगाना है, आभूषण लगाना है। और कैप्टन चश्मे वाला में आपको लगाना, प्रतिमा पर चश्मा लगाना है। साना साना हाथ जोड़ी, तो इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर यात्रा वृत्तांत लगाना होगा, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाले है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो क्या कहकर बुलाते थे, तो इसमें आपको लिखना होगा पहले क्वेश्चन में बापूजी, क्या लिखना है, बाबूजी इसमें लिखना है, ठीक है, बापूजी नहीं बापूजी, इसमें लिखना आपको बाबूजी लिखना है। और यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो क्या क्या नजर आए थे, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सांप और चूहा, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सांप और आपको लिखना होगा यहाँ पर चूहा लिखना होगा, ठीक है, चूहा आप लिख लीजिए दूसरे क्वेश्चन में। और यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसको तो लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको लगाना होगा यहाँ पर अभिधा, क्या लिखना है इसमें, अभिधा आपको लिखना होगा, अभिधा लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा देख लीजिए, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो आप सभी को पता होगा किसने दिया था, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, सुभाष चंद्र बोस आपको इसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो किस काव्य में नहीं होता है आपको बताना है, पांचवे को उत्तर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको हो जाएगा मुक्तक, कौन सा काव्य हो जाएगा, मुक्तक काव्य हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर मुक्तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, क्षितिज बाग में संग्रहित मसूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा भ्रमर गीत से, कहाँ से,
इसमें आपको लिखना होगा भ्रमर, भ्रमर गीत आपको इसमें लिखना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5 दिया है, सत्य असत्य आपको लिखना होगा, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाले हैं। तो यहाँ पहला दिया हमारा, परशुराम के परसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, ये सत्य है या पर असत्य है, तो हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए रामचरितमानस महाकाव्य, तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा महाकाव्य है, हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा रस के 7 अंग है, दोस्तों आप सभी को पता है रस के कितने अंग होने चाहिए, तो 10 अंग होने चाहिए, ठीक है, तो ये गलत है हमारा, इसलिए असत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिए गंट तो कह मेहनत का बादशाहों का शहर है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब हम चलते हैं दो दो नंबर के क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा छठा क्वेश्चन दिया हमारा पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं लिखिए, आता हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा छायावेद की आपको दो विशेषता देना है, ये आपकी परीक्षा दो नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा जय शंकर प्रसाद की दो काव्यगत विशेषता आपको लिखना होगा, आता हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान आपको देना है, ये आपकी परीक्षा दो नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, आता हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा कवि जय शंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, ये आपकी परीक्षा में दो नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर नौवां क्वेश्चन देख लीजिएगा अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताइए, इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा दसवां क्वेश्चन देख लीजिएगा काव्य की परीक्षा आपको लिखना है, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए विभाव किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ग्यारहवां क्वेश्चन देख लीजिएगा अलंकार किसे कहते हैं, आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा चौपाई छंद का आपको उदाहरण देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा गद्य किसे कहते हैं, आठवां क्वेश्चन दिया हमारा नाटक और एकांकी में आपको दो अंतर लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा राम वक्ष बेनीपुर की दो आपको रचना लिखना है, आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा स्वयं प्रकाश की आपको भाष्य शैली लिखना है। अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता था, आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा पाने वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, मतलब पान वाले का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया हमारा 15वां क्वेश्चन दिया है भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, आठवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। और यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लिया सब शक्ति किसे कहती है, और आठवां क्वेश्चन देख लिया संधि की परिभाषा व संधि के भेद आपको लिखना है। अब हम चलते हैं 17वां क्वेश्चन पर भोलानाथ अपने साथियों को देख कर किसका क्यों भूल जाता था, आठवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन देख लीजिए 18वां क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, आपको एक पद्यांश दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा और प्रसंग आपको लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में भावार्थ लिखना होगा, तो अच्छे से लिख निकाल लीजिए इसका आंसर और याद कर लीजिएगा। और इसके 18वां क्वेश्चन भी आपको सेम वही करना है। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग और वाक्य करना है, ठीक है, आप सभी को पता होगा किस प्रकार से करते हैं, तो इनके अनुसार आपको लगा लेना आपकी किताब से और याद कर लेना है। और 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर आपको संवाद लिखना है, क्या क्या बातचीत होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए अपने किसी पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाइए। और यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। इसमें आपको एक गद्यांश और काव्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़कर आपको 4 क्वेश्चन दिए, जैसे कि हम बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा मानव, दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका मानव आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा मानव लिख सकते हैं या फिर आप इसमें लिख सकते हैं मानवता लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा दूसरा देख लीजिए यथात मनुष्य किसे कहते हैं, यथात मनुष्य किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यथात मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है, ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा उपयुक्त गद्यांश का सारांश आपको लिखना है, मतलब इसका जो हमारा गद्यांश है इसका सार क्या निकल रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। और इसके 17वां क्वेश्चन भी आपको सेम वही करना है। अब यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए, 22वें क्वेश्चन आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा, किसके बारे में लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए आपको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इस बात की जानकारी देने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। 18वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने माता जी को एक पत्र आपको लिखना है। और 23 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है, रूपरेखा सहित किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर रूपरेखा लिख दी सबसे पहले, और
पहले हमें आपको लिखना प्रस्तावना लिखना होगा, ठीक है, प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद आपको जैसे कि किसके बारे में, किसी भी निबंध के बारे में लिख रहे हैं, वो बिंदु आपको लिखना है रूपरेखा में, और पूरा का पूरा आपको वर्णन कर देना है निबंध में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा दसवीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको क्वेश्चन पाँच से लेकर क्वेश्चन छः से लेकर 23 तक आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।